हेलो। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर तो भेजा नहीं, तो हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज में बेसिकली अब मैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं कुछ नोटिंग नहीं कराऊंगा, ना मैं नोटिंग वाला कुछ करा रहा है। मैं जैसे इस चैप्टर के बारे में सबसे ब्रीफ दूंगा, ठीक है, ताकि जो नोटिंग वगैरह है वो सारी हम लाइव क्लास में ही कर सकें। ठीक है, और आप मुझे एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा भेज के रखा करो, ताकि किसी दिन चैप्टर नहीं आ पाते हैं तो मैं उनको कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, ये नहीं कि आप वन बाय वन वन बाय वन सेंड करें। अगर आपको कंफर्म है कि ये चैप्टर आ रहे हैं तो मैं सारे चैप्टर एक बार में सेंड कर दो। ठीक है, चलो क्या नाम है चैप्टर का? टेंस। क्या नाम है? टाइम एंड टेंस। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पार्ट वन में आपको दो ही टेंस सिखाए गए हैं। नहीं है? ठीक है, तो चैप्टर का टाइटल क्या है? टाइम एंड टेंस। इस टाइटल का कुछ मीनिंग होते नहीं होते हैं? होते हैं टाइटल के मीनिंग। बेसिकली ये तो आपको पता है, टाइटल ही हमें बताते हैं कि बेसिकली हम कुछ टॉपिक में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं। एक आइडिया हमें टाइटल से लगता है। चलो टेंस तो आपने सुना, यहाँ पर टाइम क्यों लिखा हुआ है? कोई रीजन, कोई फैक्ट आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है इसका, कि यहाँ पर टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है? टेंस का टाइम एंड टाइम वर्ड क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे हम कहाँ टाइम के बारे में बात करने वाले? चलो मैं स्टार्ट कर ही दूँ, थोड़ा सा समझा दूँ। बेसिकली टेंस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू। क्या आपको इस टाइमिंग के बारे में कुछ पता चल रहा है? आपको भी सर? हाँ पता चल रहा है। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा सर आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब आप मुझे अभी पढ़ा रहे हैं, आप मुझे अभी पढ़ा रहे हैं। और आप अगर आपने बोला आई वॉज टीचिंग यू, मुझे पहले पढ़ा रहे थे, जैसे यहाँ पर टाइम का पता चल रहा है, कोई काम अभी हो रहा है, कोई काम पहले हो रहा था, कोई काम अभी हो रहा है, कोई काम पहले पास्ट में हो रहा था। हाँ, तो टेंस का मतलब ही खुद में टाइमिंग टाइम होता है। टेंस का खुद में मतलब क्या होता है? टाइम होता है। इसलिए यहाँ पर टाइम और टेंस एक साथ लिखा हुआ है, क्योंकि टेंस कुछ नहीं बताते हैं। टेंस बेसिकली हमें टाइम बताते हैं कि कौन सी बात किस टाइम पर कही गई थी, कौन सी बात किस टाइम पर कही गई थी। इसको इंग्लिश में जानना टेंस कहलाता है। ठीक है, टेंस है ना? टेंस मतलब काल। काल को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम भी कहते हैं। तो टाइम और टेंस एक ही चीज है। ठीक है, अब टाइमिंग क्या हो सकता है? टाइम आप बातों में कौन, अब किस टाइम की बातें कर सकते हैं? हो सकता है किसी अभी की बातें करें, हो सकता है किसी आज की बातें करें। ठीक है, तो आज की बातें करनी, अभी की बातें करनी नहीं, करेंट की बातें करनी है, प्रेजेंट की बातें करनी है, तो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। किसी से कल की बात करनी है, जो कल निकल चुका है, जो कल निकल चुका है, या किसी से पुरानी बातें करनी है, किसी से पास्ट की बातें करनी है, तो उसके लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। किसी से कल की बात करनी है, आने वाले कल की, किसी से बात की बात करनी है, फ्यूचर की बात करनी है, तो उसमें फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो टेंस को बेसिकली तीन टाइम में डिवाइड किया जाता है, आज कल और आने वाला कल। आज कल सर, कल दो तरह के होते हैं, बीता हुआ कल और आने वाला कल। और टाइमिंग को हम जब बात करें, हम तीन तरह की बातें कर सकते हैं। तो अभी की बात कर सकते हैं, या पिछली बातें कर सकते हैं, पुरानी बातें कर सकते हैं, फिर नई बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह के टेंस होते हैं। आई मीन टेंस को भी ना फर्दर चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
पेरेंट इंडेफिनिट में, एक तो सिंपल पेरेंट होते ही, एक तो सिंपल तो होते ही सारे, सिंपल पेरेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। फिर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन देखें सिंपल के अलावा, तो पेरेंट इंडेफिनिट होता है, पेरेंट कंटिन्यूस होता है, पेरेंट परफेक्ट होता है, पेरेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। चलिए इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये क्या करते हैं, तो बेसिकली मैं पेरेंट इंडेफिनिट की बात नहीं करा, मैं पेरेंट इंडेफिनिट की बात नहीं, मैं अगर पेरेंट इंडेफिनिट का तो बता दूँ, तो आपसे पेरेंट इंडेफिनिट की बात बताता हूँ। तो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ से बड़े लिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोटेड है। सर आप पूछोगे सर ये आपने नोटिंग कब की, आपने कब इसको पढ़ाया, तो एक सी ए के स्टूडेंट है, सी ए के मेरी मेरा ही फ्रेंड है, उसको बेसिकली मैंने पढ़ाया है ये, तो उसी के नोट्स मेरे पास लिखे हुए हैं जब मैंने उसको पढ़ाया था। अगर आपको अपनी हैबिट्स बतानी है, अगर आपको अपनी हैबिट्स बतानी है, कौन सी हैबिट जो आपके प्रेजेंट में है, ऐसी हैबिट्स जो आपके प्रेजेंट में है, ऐसे आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हो, आप रोज़ दूध पीते हो, आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप रोज़ गिटार बजाते हो, आप रोज़ पार्क में टहलने जाते हो, ये करेंट हैबिट्स हैं। तो आप किसी करेंट हैबिट्स बता रहे हो, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों, इंडेफिनिट के अंदर हम हैबिट्स बताते हैं, और क्योंकि हैबिट्स करेंट की हैं, आज की हैबिट्स हैं आज की, तो आज की हैबिट्स बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सर अगर ये हैबिट्स पुरानी होती तो मैं स्कूल जाया करता था, मैं पार्क में टहलने जाया करता था, मैं सुबह 10 बजे उठता, वो 4 बजे उठता था, तो सिर्फ पास्ट का हो गया, तो पास्ट का हो गया तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यानी कि अगर मैं धीरे धीरे लेके चलूँ, धीरे धीरे लेके चलूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या इंडेफिनिट का यूज करते हैं, इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट का यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी हैबिट्स शो करनी हो, जब हमें हैबिट्स बतानी हो किसी को, जब अगर हमें इंग्लिश में हैबिट्स बतानी है तो हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसी को हमें अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताना है कि हम क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते हैं, तो अभी हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसी को अगर हम किसी को भी लाइक और डिसलाइक भी बताना चाहते हैं, लाइक और डिसलाइक भी बताना चाहते हैं, तो अभी हम किसका यूज करते हैं, इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसी को फैक्ट बताने हैं, किसी को फैक्ट बताने हैं, तो अभी हम इनडेफिनिट का यूज करते हैं। फैक्ट आप लिखा नहीं है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नोटिंग करनी है तो यहाँ से, ठीक है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट सर आप क्यों बता रहे हो, ये तो मैं कन्वर्ट कर होता हूँ ना, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, रुको जरा मैं एक बार देखूँ आपकी बुक में एक्सरसाइज कैसे दी गई है। देखो आपके बुक में एक्सेस दी है वो तो मैंने आपको मतलब रूल्स लिखवा कर, रूल्स रटवा कर, क्रेमिंग करवा कर मैं आपको करा सकता हूँ, मतलब ऐसा। तो मैंने नोटिस किया है कि जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की जो ग्रामर होती है ना, टेंथ वाली बेस के लिए, टेंथ वाला जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर, यहाँ पर टेंस होते हैं, उनसे आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते, ऐसा मेरा मानना है। आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते, ना इंग्लिश राइटिंग ले सकते हो, सीख सकते हो। हाँ क्या सीख सकते हो, कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, उस सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली सही तो कर दोगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलना है ये आप भी नहीं बता पाओगे। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, फिर 4-5 साल के एक्सपीरियंस किया है मैंने, 4-5 साल की जर्नी में, ये थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा पैटर्न थोड़ा खराब होता है यहाँ पर लैंग्वेज का, बेसिकली टेंस वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो मैं बेसिकली जो मेरे को सही लगता है उस तरीके से बता रहा हूँ इसको, जो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी, राइटिंग में भी हेल्प करेगी, एंड ऑब्वियसली आपको पेपर में पास होने के लिए तो बिल्कुल ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तीर से तीन निशाने लगें, ऐसा नहीं कि पेपर में पास ही हो पाए, हमें स्पीकिंग भी आनी चाहिए, हमें है ना ग्रामेटिकली हमें स्पीकिंग भी आनी चाहिए, हमें राइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए कि हम राइट करते टाइम कोई गलत ना लिखें, ठीक है। तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ किस तरह की बातें करोगे। हर तरह की बातें एक्सप्रेस करने के लिए अलग तरह का टेंस होता है, हर तरह की बात करने के लिए अलग तरीके का टेंस होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बातें किस तरीके होती है, तो ये तो पता होना चाहिए।
तो किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को अपनी हैबिट्स बतानी है तो हैबिट्स का आप कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर तो हैबिट्स शो करनी है अपने, तो आपको इंडेफिनिट टेंस यूज करना होगा। तो आपको याद करना होगा, मैं आपसे पूछूंगा ये मंडे संडे को कि किस तरह की बातों के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिखू, अब मैं सीधा फेयर वर्क पे आता हूँ। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखते हैं मैं नहीं पता, बाद में देखेंगे, वो लिखवाने वाला काम सारा मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि रूल्स मेरे पर नहीं लिखे, सारे रूल लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले सारे लिखे हुए हैं, पर उनको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ जो मेरे को समझाना है। जब कभी भी, अभी मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज, किसकी बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज, अगर आपको अपने प्रेजेंट की एक्टिविटीज बतानी है, आप डेली क्या काम करते हो, आप डेली क्या काम करते हो, तो अपना आज के बारे में किसको बताते हो, आपने आज की कोई डेली एक्टिविटीज के बारे में किसको बताते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। इसको अपनी करेंट हैबिट्स के बारे में बताना है, आपको करेंट हैबिट्स के बारे में बताना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे, ठीक है। आपको अपने लाइक और डिसलाइक बताने हैं किसी को, ठीक है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। आपको फैक्ट बताने हैं कि 2 + 2 = 4, ठीक है, द अर्थ इज गोल, सॉरी अर्थ इज राउंड, है ना, तो अर्थ इज राउंड में तो कभी हेलो नहीं लगेगा, वो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फैक्ट बताने होते हैं, वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट ही, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है मोस्टली केसों में, है ना। तो बेसिकली तो चीज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो पास होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट, दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे नाम होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यू कुछ कंटिन्यू होता है यहाँ पर। यहाँ पर हम बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नाम ही बता रहा है कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, तो उस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना है। यानी जहाँ पर आप ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे हो जो अभी कंटिन्यू है, जो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, अभी कोई काम ऐसा जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो, जब भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू चल रही है, यानी कोई चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस है, ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे। इसमें अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, मेरा पढ़ाने का काम आपको कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को जिसमें उसको बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये सारे काम कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होगा। बहुत इजी है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस हो, काम चल रहा हो, है ना, काम कंटिन्यू हो रहा हो, काम कंटिन्यूस स्टेट में हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी कंटिन्यूस स्टेट में है या नहीं है, लोग भाग रहे हैं, लोग कंटिन्यूस स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट का सर, अगर काम चल रहा था तो काम चल रहा था तो पुराना था, सर चल रहा था यानी कंटिन्यूस टेंस हो गया, लेकिन पुरानी बातें तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अगर आपको साथ ही साथ टाइमिंग की बात करें, तो टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर पर भी मत आना, ठीक है। वैसे आपके पास प्रेजेंट ही, तो प्रेजेंट भी फोकस रखो केवल, तो कंटिन्यूस भी हो गया। थर्ड होता है परफेक्ट, थर्ड होता है परफेक्ट, थर्ड होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। आप किसको परफेक्ट क्यों बोलोगे, आपको किसी भी तारीफ में अगर परफेक्ट बोलना है ना, तो परफेक्ट क्यों बोलोगे किसी को, ये बताओ जरा। सर उसने कोई काम अच्छा किया हो, उसने कोई अच्छा काम किया हो, हाँ, अगर किसी ने कोई काम कर लिया हो तभी तो परफेक्ट बोलते हो, तारीफ कब करते हो, उसने कोई काम कर लिया हो, हाँ। तो अभी भी आपको कोई रिसेंटली, बहुत पुराना नहीं, मैं कह रहा हूँ पुराना नहीं, रिसेंटली, रिसेंटली अगर आपने कोई काम कंप्लीट किया है, रिसेंटली, रिसेंटली अगर आपने कोई काम कंप्लीट किया है, रिसेंटली काम हो चुका है आपका, लेकिन बहुत पुराने नहीं होता था, रिसेंटली आपका आज ही आदमी हुआ, एक दिन में हुआ, रिसेंटली बात कर रहे, एकदम ताजी ताजी बातें एकदम कर रहे हो, ठीक है। काम को कम्प्लीटली, आपने काम को कम्प्लीट किया हुआ है, तो ऐसे केस में बताने के लिए कि भी आपका काम हो गया है, हो चुका है, तो ऐसे केस में आप जिस टेंस को यूज करते हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं होमवर्क कर चुका हूँ, आप कर चुके हो, ठीक है, ज्यादा पुरानी होती है, रिसेंटली बात बता रहे हो, ठीक है, ताज़ा ताज़ा, ठीक है। सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, ये पुराना बात हो गई, ये कल की बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है।
सर मैं दिल्ली से आ चुका हूँ। ठीक है, रिसेंटली आप मेरे को बता रहे हो आप दिल्ली से आ चुके हो, तो जो रिसेंट बातें होती हैं, जो आप काम हो चुका होता है, जो काम हो चुका होता है ना, प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, तो हम उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी आपको ये काफ़ी चीज़ें बताऊंगी, काफ़ी चीज़ें बताऊंगी, पर एक फॉर्मेट में आपको देना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पूरी चीज़ नहीं लिखी होंगी आपके पास एग्जैक्ट, तो थोड़ा फॉर्मेट आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सर इसके अंदर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, दोनों क्वालिटी मिक्स है क्या? हाँ बिल्कुल, काम हो भी चुका है, काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है सर, ऐसा कुछ। हाँ यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत पुराना काम अभी चल रहा है, तो बहुत पुराना काम अभी भी चल रहा है। परफेक्ट मतलब यहाँ पे सबसे पुराना, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा पुराना, थोड़ा मतलब बहुत पुराना भी हो सकता है, लेकिन अभी भी प्रेजेंटली चल रहा है। वो प्रेजेंट में चल रहा है, मैं ईयर 2000 से आगरा में रह रहा हूँ। कब से रह रहा हूँ? बहुत पहले से। तो ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट बहुत पहले से रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, अभी मैं काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है रहने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से टाइम हो गया, काफ़ी परफेक्ट हो गया, अभी पढ़ रहे हो, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। सर आप आधे घंटे से पढ़ा रहे हो, हाँ ये आधे घंटा भी हो जाएगा इसके अंदर एग्जाम्पल, ठीक है। आधा घंटा टाइम हो गया, परफेक्ट, ठीक है, पढ़ा रहे हो, अभी कंटिन्यूस से पढ़ा रहे हो, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस हैं, मैं भी आपको कुछ एक काम करो, ये आप एक चार्ट नोट कर लो। कितना चार्ट आपको नोट करना है मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा मैं भी आपको, है ना, स्क्रीनशॉट से आप नोट कर लेना, ठीक है। दो सेकंड रुकना, आपको थोड़ी वॉइस आ रही होगी बात की, अभी बंद हो जाएगी, ठीक है। आप तो वीडियो पॉज करके ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये लिख लो, ठीक है, ये वीडियो पॉज करके अभी लिख लो, हिंदी भी लिख लेना ये, ताकि आपको अच्छे से समझ में रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो जरा। आपको उस होमवर्क में क्या करना है, बेसिकली टाइम आइडेंटिफाई मुझे करके बताना है कि कौन से टेंस में, कि कौन सी बातें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, क्या करेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो होमवर्क लिखो। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, पहला सेंटेंस, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। डोंट से सर कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आती है, इंडिया से बाहर आपको डिपोर्ट कर देंगे, नहीं तो फिर आपको अगर हिंदी भी लिखना नहीं आती तो। देखो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, घोड़े पार्क में दौड़ रहे हैं, घोड़े पार्क में दौड़ रहे हैं, पार्क नहीं लिखना तो मैदान लिख लो, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, बैक भी कर सकते हो ना, आपके पास ये फीचर है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे मेरी नानी का खाना, मुझे नानी के का खाना पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, ठीक है। मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, मैं 2 दिन, 2 दिन से घूम रहा हूँ, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है?
वह बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन है। नहीं, ये मत देखो, ये मत देखो, ये काट दो, ये काट दो। वह बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रहा है। वह बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने सेंटेंस हो गए, बस ये सेंटेंस में ज़्यादा नहीं दे रहा मैं, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे, ठीक है। आपको क्लासिफाई करना है कौन सा पास्ट का है, कौन सा पास्ट का नहीं है, ठीक है। फ्यूचर का तो मैंने दिया ही नहीं है कोई वैसे, ठीक है। आपको ये होगा कि मैं ज़्यादा नहीं करा सकता, तो मुझे लिखवाना ही है बेसिकली, और एक तो चैप्टर मुझे एक्स्ट्रा भेज के रखा करो, ठीक है।